नमस्कार, मैं हूं विक्रम पंची और आप जुड़ चुके हैं यूएनटी के साथ। इस समय हम जिला उधमपुर के जिला अस्पताल में मौजूद हैं और एक दुखद घटना जो है वो आपसे साझा करने जा रहे हैं। ये घटना पंचेरी दुब्बी गली की है, जहां एक युवक 22 साल के एक युवक का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ पाया गया। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें कि 22 साल का हार्दिक कुमार ये युवक है, जिसका जो मैरिड है और जिसके एक बच्चा भी है, और एक बात की जाए तो जो उसकी पत्नी है वो इस समय गर्भवती भी है। और इस युवक का शव जो है संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो एक पेड़ से लटका पाया जाता है। बताया जाता है कि किसी घर में कोई फंक्शन था और वहाँ फंक्शन पर गया हुआ था, और उसके बाद वहाँ पर नाश्ता खाना पीना करने के बाद ये युवक कहता है कि पेट दर्द की शिकायत बताता है, और पेट दर्द की शिकायत बताने के बाद ये जंगल की तरफ भागता है। और जिसके बाद जब काफ़ी समय तक ये युवक लौटता नहीं तो परिजन इसके तलाश में जाते हैं, और तलाश करने के बाद पाया ये जाता है कि ये युवक एक पेड़ के साथ फंदे से झूलता हुआ पाया जाता है, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल उधमपुर में शव ग्रह तक पहुँचाती है, और जहाँ अभी पोस्टमार्टम जो है वो जारी है। पोस्टमार्टम होने के बाद शव जो है वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन ये जाँच का विषय है कि आखिर इस युवक द्वारा आत्महत्या की गई है, यहाँ इस कहानी के पीछे कुछ और सत्य है। ये जाँच का विषय है और पुलिस द्वारा जब जाँच की जाएगी तभी ये खुलासा होगा कि आखिर इस युवक द्वारा आत्महत्या क्यों की गई। फिलहाल परिजन जो है उनका रो को बुरा हाल है और इंतज़ार में है कि आखिर सच जाने के इंतज़ार में है कि आखिर इस युवक द्वारा ये कदम क्यों उठाया गया। कि दुखद हादसा जो है ये पंचेरी दुबी गली का जो है वो आप तक साझा किया है कि इस युवक द्वारा जो है वो फंदा लगाकर आत्महत्या जो है वो कर ली गई है। फिलहाल अब पुलिस जो है वो इस मामले पर आगे की कार्रवाई करेगी और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस युवक द्वारा ये कदम क्यों उठाया गया।